वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुन्नाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल भीड़। मेरे भाई आज की जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि NSDL पेमेंट बैंक CSP जो है वो आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या सर्विस है, क्या बेनिफिट है एंड उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि उसका क्या क्या प्रॉफिट है और गवर्नमेंट स्कीम में वर्किंग होगा या नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल में नया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें एंड लाइक जरूर करें मेरे भाई। NSDL पेमेंट बैंक CSP आपको सर्विसेस मिल जाएगा, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, उसके साथ साथ OD अकाउंट, FD अकाउंट भी कर सकते हैं। वहाँ पे अकाउंट जो करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल जाएगा, विदड्रॉ, डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी यानी कि EPS का सब कुछ मिल जाएगा, IMPS, फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों NSDL पेमेंट बैंक CSP में जो भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे उस अकाउंट में आपको गवर्नमेंट स्कीम का भी फैसिलिटी मिल जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, जॉब कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपको PM किसान का, ये सब आपको मिल जाएगा। NSDL पेमेंट बैंक CSP में आपको जब भी अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपके होम डिलीवरी कर दिया जाएगा आपको फिजिकली डेबिट कार्ड, उसका आपको अलग से कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। NSDL पेमेंट बैंक CSP में जो भी आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे उसके लिए आपका BC अकाउंट यानी कि CSP पॉइंट में आपको पहले से अमाउंट रहना चाहिए, उसके बाद ही आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यानी कि 350 रुपया आपके BC पॉइंट से आपके कस्टमर के अकाउंट में चला जाएगा जो कि चार्ज बनेगा और उसमें से आपको 20 रुपया कमीशन भी मिल जाएगा। NSDL पेमेंट बैंक CSP में अगर आप विदड्रॉ करते हैं APS के थ्रू तो आपको 0.5% आपको कमीशन मिल जाता है एंड डिपॉजिट भी 0.5% मिल जाता है, लेकिन डिपॉजिट ओनली टू ओनली आप NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट का ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ IMPS, मनी ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट जब करेंगे उसमें भी आपको 1 रुपया मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको बहुत तरीका का यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाएगा। पैन कार्ड भी वहाँ से आप करा सकते हैं और पैन कार्ड जो होगा वो NSDL का ही होगा और पैन कार्ड में आपको 810 रुपया कमीशन इंस्टेंट मिल जाएगा। दोस्तों NSDL पेमेंट बैंक CSP में जो भी आपका अकाउंट ओपनिंग होगा उस अकाउंट का PDF यानी कि पासबुक आपको अपने कंप्यूटर से प्रिंट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिलीवरी कर दिया जाएगा। और जो भी आपका पासबुक होगा आपको डेमो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। NSDL पेमेंट बैंक CSP का जो भी IFSC कोड होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। IFSC कोड अलग अलग एरिया का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का अलग अलग IFSC कोड है, आप ये हमारा देख सकते हैं। दोस्तों NSDL पेमेंट बैंक CSP लेने के लिए डॉक्यूमेंट्री लग जाएगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दुकान का फोटो, बैंक पासबुक, नॉमिनी नेम, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी आपका क्या लगता है वो आपको सब कुछ टाइप करके भेजना पड़ेगा। NSDL पेमेंट बैंक CSP 3 से 4 घंटे के अंदर आपका ID एक्टिवेट होके आ जाएगा। मेरे भाई NSDL पेमेंट बैंक CSP लेने के लिए कुछ पैसा भी लगता है, जैसे कि 3500 रुपया लग जाएगा NSDL पेमेंट बैंक CSP लेने के लिए। अगर आप NSDL पेमेंट बैंक CSP को लेना चाहते हैं या फिर NSDL पेमेंट बैंक CSP रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी नया अपडेट चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं technicalbhid.com। वहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा NSDL के बारे में सारा जानकारी एंड अगर आप लेना चाहते हैं तो वहीं पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर मेरा खुद का मिल जाएगा। उस नंबर पे आप वहाँ पे बोल के भी भेज सकते हैं या फिर अपना एड्रेस पूरा टाइप करके भेज सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्री लगेगा, क्या क्या लगेगा, क्या क्या सर्विसेस है, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहीं पे। उसके साथ वहाँ पे आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे सब कुछ भेज देना है और आपका 3 से 4 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर आपका ID एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मेरे भाई आज की जानकारी बस इतना ही था। जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज यार लाइक करें, चैनल में नया तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें।